हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवी सिसोदिया। एंड गाइस, आई होप कल के वर्कआउट में आपको मजा आया होगा। चेस्ट वर्कआउट में पंप बहुत तगड़ा मिला होगा। तो आज हमारा बैक वर्कआउट, उसके साथ है हमारा हल्का सा बाइसेप्स वर्कआउट, उसके बाद है हमारा हल्का सा लेग्स वर्कआउट। तो तीन वर्कआउट आज हमने करने हैं। बाइसेप्स और लेग्स हमारा सेकेंडरी रहेगा, लेकिन प्राइमरी वर्कआउट हमारा बैक रहेगा। तो बैक के अंदर हमारी 5 से 6 एक्सरसाइज हैं, बाइसेप्स की हमारी 2 एक्सरसाइज हैं, लेग्स की हमारी 2 एक्सरसाइज हैं, उसके बाद छुट्टी। तो क्या क्या वर्कआउट करने हैं आपको, वो आपको बताते हैं। चलिए लेट्स गो। और ये जो वर्कआउट है आपने करना है 5 हफ्ते तक। आज का जो वर्कआउट है डे 32 जो वर्कआउट है हमारा, आपने आने वाले 5 हफ्ते के ट्यूसडे को वर्कआउट करना है। हर हफ्ते ट्यूसडे को आप यही वर्कआउट करोगे 5 हफ्ते तक। 5 हफ्ते के बाद 6ठे हफ्ते में आपका वर्कआउट चेंज हो जाएगा, उसके लिए तुम्हारा भाई बैठा है। तो खाली वर्कआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेक श्योर आप अपने न्यूट्रिशन का, डाइट का, स्लीप का, रेस्ट का, मसल्स के रिकवर होने का, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, तब जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। तो जितने भी भाई हमारे थोड़े से पॉकेट फ्रेंडली प्रोटीन के जुगाड़ में रहते हैं, उनके लिए भाई मैं बता दूं, अगर आपके घर वाले अलाउ नहीं करते डब्बे वाला प्रोटीन खाने के लिए, या फिर आपको के पास प्रोटीन के उतने पैसे नहीं है, तो भाई बहुत बजट फ्रेंडली आपके पास ये प्रोटीन ओट्स मिल जाएंगे। सुपर फूड है, किसी तरह का कोई डब्बा वाला प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर ही आपको प्रोटीन मिल जाएगा। 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग आपको मिल जाएगा। शुगर इसके अंदर 0 है, फाइबर से रिच है। मीठा जो करा गया वो जैगरी से करा गया, मतलब गुड़ से करा गया, तो किसी तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जाके बाय करें। और ब्रेकफास्ट की शुरुआत जैसे मैंने अपने डाइट वीडियो में बताया हुआ है, इसके साथ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध लेंगे, उसको गर्म करेंगे, इसकी एक सर्विंग उसमें डालेंगे, एक सर्विंग में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। थोड़ी देर सोखने के लिए रख देंगे, उसके बाद आप इसको कंज्यूम करके जिम जा भी सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी खा सकते हैं, प्री वर्कआउट में भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा आपको कार्ब्स मिल जाएगा, फैट इसके अंदर बिल्कुल 0 आपको मिलेगा, शुगर इसके अंदर आपको बिल्कुल 0 मिलेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके फटाफट से बाय कर लेना। अब चलते हैं हमारे वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई वर्कआउट थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि भाई हमारे कहते भी वीडियो लंबी हो जाती है, जिम में देख नहीं पाते। तो सबसे पहले आपने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी है, जिस भी तरह से आप इसको स्ट्रेचिंग करनी है स्ट्रेचिंग कर लो। उसके बाद आपने पहला सेट मारना है चिनअप्स का। आपने 12, 12, 10, 10, 15, 15 जितने सेट्स आप मार पाओ उतने सेट मार लेना। कोई भाई अगर मेरा मोटा है वो चिनअप्स नहीं मार पाता है, तो आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी अपनी बैक की। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने पुली में रो लगा लेनी है, पूरा पीछे आना है, ठीक है। बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, ये हाथ हमारे सिंपली ऊपर जाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके 2 से 3 सेट मार लेना, 10, 10, 12, 12 रेप। और ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है चिनअप्स का। चिनअप्स इस दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बैक के लिए, ये कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। बट हाँ, जो लोग चिनअप्स ना मार पाएँ, एटलीस्ट अपनी बैक को खोलने के लिए, गर्म करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए कुछ तो करना हमें, उसके लिए हम वार्म अप एक्सरसाइज इसको ले लेंगे, वार्म अप सेट इसको ले लेंगे। 2 से 3 सेट मारो, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। इसके बाद हमारा पहला सेट है हमारा चिनअप्स, 10, 12, 15 जितने रेप आप मार पाओ, 4 सेट आपको मारने। वो नहीं लगते तो इसके कर लो, 3 से 4 सेट वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा वर्कआउट आएगा वो आएगा हमारा आइसोडम्बल रोज। वो कैसे करने है मैं आपको बताता हूँ, लेट्स गो। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज हमारी आइसोडम्बल रोज कैसे करनी है, देखो पहले भी बताया शायद मैंने, या शायद मैंने मयंक और कनिष्का को समझाया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बताया तो है, वीडियो में बताया जा नहीं, हाँ रियल में बताया। लेकिन इसमें हमारी जो पोजीशन होती है ना, बहुत सारे भाई हमारे पता क्या करते हैं, ये डंबल लिया आगे रखा, ठीक है, ये नहीं करना हमें। हमें ना तो हमारी कलाई यूज़ करनी है, ना एल्बो से कोहनी से नीचे का हाथ यूज़ करना है। इसमें हमारी सिंपल पोजीशन है, हमने बैक हमारी स्ट्रेट रखनी इस तरह, ठीक है। ये डंबल हमारा यहाँ रहेगा, और सपोज़ कर लो आपके पास यहाँ से नीचे हाथ है ही नहीं, आपने अपनी एल्बो को हल्का सा बेंड करना है और एल्बो को ही ऊपर लेके जाना है। ये हाथ सपोज़ करो है ही नहीं, तो आप एल्बो को ऊपर लेके जा रहे हो, ये है ना, ये आपने एल्बो मोड़ी 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 और ये ऊपर ले आए, ये हाथ नीचे गया, ये एल्बो ऊपर आई, ये हाथ नीचे गया, ये एल्बो ऊपर आई। तो जब एल्बो ऊपर आएगी तो आपका जो लैट है उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाथ से नहीं उठाना है, वेट को एल्बो से उठाना है, ठीक है। तो आपने रैप रेंज रहेगी आपकी, पहले सेट में 12, फिर 10, फिर 10, फिर 10, एक हाथ से 12 रैप। ये एल्बो ऊपर जा रही है, 1, 2, 3, 4 देखो मैं एल्बो से लेके जा रहा हूँ, 5, 6, 7, 8 लेफ्ट हैंड में भी देख लो, वेट को ऊपर मेरी एल्बो लेके जाएगी और ये डंबल आगे नहीं जाएगा, यहीं रहेगा बिल्कुल। एल्बो से खींचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, एल्बो से 10। पहले सेट में 12-12 है दोनों हाथ से, फिर 10-10 है, 4 सेट करने हैं। तो भाई थर्ड वर्कआउट है हमारा टी बार रोइंग। टी बार रोइंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर मसल थिकनेस इन बैक, है ना। तो इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, मतलब बैक में थिकनेस तो ना चाहिए लेकिन वर्कआउट करने में उन्हें बड़ा आलस आता है ये वाला। तो कहते हैं कि बैक पे हमें वी टेपर बैक चाहिए लेकिन ये वर्कआउट में उन्हें बहुत आलस आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो इसको कभी भी इग्नोर करने का नहीं अगर आपको अच्छी थिकनेस चाहिए आपके बैक मसल में, ठीक है। तो इसकी फॉर्म सेम वही होगी, हाथ से नहीं खींचना है वेट को, जब यहाँ नीचे जाओगे तो एल्बो से खींच के लाना है। नीचे गए, एल्बो से खींचा, फिर नीचे गए, फिर एल्बो से खींचा, ठीक है। क्लोज ग्रिप है तो उसमें अपने हिसाब से देख लेना, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। वर्कआउट में मेरा कर चुका हूँ, इस चक्कर में मैं लाइट वेट से कर रहा हूँ क्योंकि पहले ही थका हुआ हूँ। तो जैसे मैंने बताया, ये रहा हमारी लोअर बैक अंदर गई, और ये 1, 2, 3, 4 पूरा नीचे जाना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत मज़ेदार वर्कआउट करके देखना, 4 सेट करने सबके अंदर 12-12 रैप, 4 सेट, 1, 2, 3, 4, 12, 12, 12, 12, खत्म, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, लेट पुल डाउन वाइड ग्रिप, लेट्स गो। सो गाइस फोर्थ वर्कआउट हमारा सबका फेवरेट, लेट पुल डाउन फॉर वी शेप बैक, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ इसकी शेप, हमारी पोजीशन लोअर बैक हमारी अंदर रहेगी, चेस्ट हमारी ऊपर रहेगी, पूरा नीचे लेके आना है, और जो हमारे अपोजिट जितने भी होंगे, नेगेटिव जितने भी होंगे, वो स्लो होंगे। कैसे? 1 स्लोली ऊपर, 2 स्लोली ऊपर, 3 स्लोली ऊपर, 4 स्लोली ऊपर, 5 स्लोली ऊपर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो भाई इसके करने आपने ज़्यादा सेट नहीं करने, 3 सेट करने हैं। पहले रैप में 15, पहले सेट में 15 रैप, फिर 12 रैप, फिर 10, 15, 12, 10, 3 सेट, 15, 12, 10, 15 रैप, 10, 12 रैप, 10 रैप, ठीक है। चलते हैं हमारे फिफ्थ वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा टीम वेंचुरा रोज। आपको पिछले महीने भी ऐसे करने में बहुत मजा आया होगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज हमारे बैक के लिए। तो 4-4 राउंड करने हैं, 4 सेट करने हैं, ठीक है। तो 4 राउंड कैसे होंगे, पैर कम रखने हैं और पूरा हमें नीचे लेके जाना है और एल्बो से बारबल को ऊपर लाना है, नीचे लेके जाना है, एल्बो से बारबल को ऊपर लेके आना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एक राउंड, 1, 2, 3, 4 दो राउंड, 1, 2, 3, 4 तीन राउंड, 1, 2, 3, 4 ये हो गए हमारे 4 राउंड। सेट हुआ है हमारा एक, इसके हमने करने 4 सेट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, नीचे जब जा रहे हैं तो पूरा नीचे जा रहे हैं और एल्बो से बारबेल को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसके हमने 4 सेट करने। चलेंगे हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो ये हमारा बैक का लास्ट वर्कआउट है, सीटेड केबल रोज। आपने पुली के ऊपर करने, क्लोज ग्रिप रखनी है, अगर आपको इसमें कोई और अटैचमेंट लगानी है वो लगा लो, लेकिन ग्रिप हमारी क्लोज रहेगी, मतलब कि हमें कोई रॉड नहीं लगानी है। कैसे करना, सिंपली पीछे आना और लोअर बैक हमारी अंदर रहेगी, पूरा आगे गए, हमारे लेट्स को खींचा और 1 पूरा आगे गए, 2 पीछे नहीं आना, आगे जाना, पूरा लेट्स को खींचा, 3 पूरा लेट्स को खींचा, 4 नेगेटिव हमारे स्लो होंगे, जब वापस जा रहे हैं वेट के अपोजिट तो हमें स्लो जाना है, 5, 6, 7, 8 इस तरह से करना है आपको, 12, 12, 10, 10 पहले सेट में 12 रैप, 12 रैप, 10 रैप, 10 रैप। तो इस तरह से आपका बैक का वर्कआउट हमारा खत्म हो जाएगा। चलेंगे हमारे बाइसेप्स वर्कआउट की तरफ। अभी रहती है हमारी 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, 2 एक्सरसाइज हमारी लेग्स की। तो बाइसेप्स की हमारी एक्सरसाइज ओल्ड स्कूल हमने करनी है, कैसे करेंगे बताता हूँ। तो भाई अब हमारा बाइसेप्स वर्कआउट, ये हमारा बहुत ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, बहुत पुराने बॉडी बिल्डर इसको किया करते थे। इसको हम कहते हैं
बाइसेप्स 21 कर्ल, इसके अंदर 21 रैप होते हैं हमारे। 21 रैप हमको कैसे करने हैं, सबसे पहले हमने हाफ आना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 7, और उसके बाद पूरा हाफ रेंज ऑफ मोशन, हाफ रेंज ऑफ मोशन एंड देन फुल रेंज ऑफ मोशन। इस तरह से हमें 21 रैप करने हैं। लेट्स ट्राई। जिनकी रिस्ट तगड़ी है वो सीधी बारबेल से कर सकते हैं, जिनकी रिस्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या पेन होता है, एल्बो में पेन होता है, वो ये ले सकते हैं हमारी इजी बार। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब पूरा 1 2 3 4 5 6 7, ओ भाई वो क्या वर्कआउट है, अमेजिंग पंप। ठीक है, तो इस तरह से आपने कितने करने हैं, 3 सेट करने इसके, 21 रैप 21 रैप 21 रैप, 3 सेट हो जाएंगे। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट बाइसेप्स वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई सेकंड वर्कआउट करना हमने हमारे बाइसेप्स के लिए आइसो प्रीचर कर्ल डंबल के साथ करेंगे, 10 10 10 10, 3 सेट हैं 10 रैप 10 रैप 10 रैप, एक हाथ से 10 रैप, दूसरे हाथ से 10 रैप, हर सेट में 10 रैप करने और 3 सेट करने। ठीक है, जब आप एक हाथ से और एक हाथ से 10 10 रैप कर लोगे तो आपका एक सेट माना जाएगा। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज क्या लाऊं यार, आधे भाई फिर भी कमेंट करते हैं भैया यू वाली समझ में आई, भाई ना समझ में आई तब क्या करूं। ठीक है, तो आपने इस तरह से पूरा नीचे पूरा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से फिर हमारे इस वाले बाइसेप्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे पीक के लिए, हमारे डोले के अंडे के लिए। ठीक है, तो भाई इसके भी आपने 3 सेट मारने, जब इसके आपके 3 सेट हो जाएंगे, 3 सेट हमारे 21 21 बाइसेप्स कर्ल हो गए, 3 सेट हो गए हमारे प्रीचर कर्ल। अब इसके बाद हमारी आती है लेग्स की, दो एक्सरसाइज, घबराना मत, यहाँ तक अगर आ गए हो कभी सोचते इसके बाद लेग्स भी शुरू हो गई, दो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं है, चलते हमारे लेग्स वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले लेना यहाँ, या 2 मिनट का भी ले सकते हो, उसके बाद हमने लेग्स अपने पंप करने, क्योंकि 1-2 दिन में हमारा लेग्स का वर्कआउट है, तो बेस बना लें पहले। ठीक है, आ जाओ। तो भाई लेग्स की 2 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज हमारी लेग एक्सटेंशन हमारे क्वाड्स के लिए, इसकी हमने 2 सेट करने, 4 सेट करने, 15 15 12 12। ठीक है, 15 15 12 12, 4 सेट है, पहले में 15, दूसरे में 15, तीसरे में 12, चौथे में 12 रैप। ठीक है, सिंपली ऊपर आना है, होल्ड करना है, नीचे जाना है, 1 होल्ड 2 होल्ड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से 4 सेट करने हैं भाई, होल्ड करना, हल्का सा पॉज लेना है, होल्ड भी नहीं पॉज लेना है, ऊपर आओगे तो पॉज लो हल्का सा, फिर नीचे जाओ, स्लोली नीचे जाओ, 4 सेट 15 15 12 12। तो भाई आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, स्मिथ मशीन के ऊपर कर रहे हैं, लाइट वेट करना, 6 सेट है, 15 15 15 रैप 12 12 12, 6 सेट में 15 15 15 12 12 12, बहुत ईजी है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, 6 सेट 15 15 15 12 12 12, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत हैवी नहीं करना, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा लेग्स वर्कआउट है, उसके लिए हम अपनी नींव रख रहे हैं पहले, कि 2 दिन बाद जो हम वर्कआउट करें उसमें बहुत ज़्यादा सोरनेस ना हो। तो सिंपली बार के नीचे घुस जाओ और अपना पूरा नीचे आओ, 1 2 3 4 5, रैप पूरे नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपने पूरा वर्कआउट खत्म करके 20 मिनट करना है कार्डियो, वर्कआउट से पहले, या अगर आपको दिन में या शाम को चांस मिल जाए तो मेक श्योर दूसरे महीने में थोड़ा सा कार्डियो और थोड़ा सा आपका एब्स वर्कआउट बढ़ा लेना, क्योंकि
एक महीना जा चुका है। वेट मेरे बहुत सारे भाइयों का कम हुआ है, जो मुझे वीडियोस भेज रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया 8 किलो कम हो गया, 7 किलो कम हो गया एक महीने के अंदर। मसल गेन भी बहुत लोगों का हुआ है कि फैट जा रहा है, मसल आ रहा है, लेकिन अभी मैं उतना रिजल्ट नहीं देख पा रहा हूँ एब्स के ऊपर या उनकी मसल क्वालिटी के ऊपर। तो मेक श्योर कैलरीज थोड़ी कम कर लो और बर्न करनी ज़्यादा शुरू कर दो। दिन में अगर टाइम मिल जाएगा अभी भी तो 30 से 40 मिनट कार्डियो करके आ जाओ घर, थोड़ा थोड़ा एब्स वर्कआउट करके आ जाओ, और वर्कआउट के बाद ताकि जो भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आप खा के आए थे, घर से जो भी खाना खा के आए थे, वो आपका वर्कआउट ले चुका है उससे एनर्जी, अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। तो जब अब आप कार्डियो करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन लेवल बहुत कम है, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज कहाँ से लेगी, आपके फैट से लेगी, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, उससे आप कार्डियो कर पाओगे। और उसके बाद अपनी बढ़िया पोस्ट वर्कआउट मील लो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम हो, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, जिससे कि आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी हो, मसल गेन बहुत अच्छा हो। तो थैंक यू सो मच, आज हमारा Day 32 है। आने वाले 5 हफ्ते तक मंगलवार को आपने यही वर्कआउट करना है, 6ठे हफ्ते में आपका वर्कआउट चेंज हो जाएगा। आई होप सीरीज आपकी अच्छी जा रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपका अच्छा चल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताते रहना कि आपको कैसा मजा आ रहा है वर्कआउट करने में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।